So now, today we'll be learning our third practical in the sequence. Okay, और ये थर्ड प्रैक्टिकल क्या कह रहा है? प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट, कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज एंड देन डिस्प्ले द ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज. ओके, सो अभी यहाँ पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यू जस्ट सी टू दैट. अल्गोरिदम हमको स्टार्ट करना है, 5 मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं. ठीक है, अब ये जो एक्सेप्ट करना है इंडिकेट्स व्हाट वी आर एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, कैसे करने वाले, वी विल सी टू दैट. सो हमको 5 वेरिएबल्स लगेंगे. मैंने यहाँ पे उसको स्टेट आउट किया है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 एंड मार्क 5. अभी टोटल कैलकुलेट करनी है, तो एक वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट्स का टोटलिंग होगा. परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग, टोटल डिवाइड बाय 5 × 100. ठीक है, आउट ऑफ 100 कंसिडर किया है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट 100. ओके, अब अगर ग्रेड्स बताने हैं, ठीक है, तो अगर लेस देन 40 है तो फेल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 बट लेस देन 60 है तो सेकेंड क्लास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है और लेस देन 75 है तो फर्स्ट क्लास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है बट लेस देन और इक्वल टू 100 है तो डिस्टिंक्शन. और कभी कभी क्या होता है ना, हम ग्रेटर देन 100 डाल सकते हैं, हो सकता है ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो उस समय आपका मैसेज आना चाहिए यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि अगर 100 के ऊपर परसेंटेज जा रहा है तो इंडिकेट्स व्हाट, सम ऑफ द मार्क्स आर एंटर्ड आर रॉन्ग और गोइंग बियॉन्ड 100. ओके, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, हमको 5 वेरिएबल्स लगने वाले जिसमें यूजर इनपुट देगा. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू द फ्लो चार्ट. यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, स्टार्ट लिया, इनपुट लिया, टोटल लिया, परसेंटेज लिया, और परसेंटेज के हिसाब से लेस देन 40 अगर है तो फेल, और अकॉर्डिंगली जो ग्रेड्स हमको एक्सपेक्टेड है वैसे मैंने पास क्लास और फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन डिस्प्ले किया हुआ है एंड देन वी हैव गॉन फॉर दिस थिंग. ओके, फाइनली स्टॉप. नाउ अब हम इसका प्रोग्राम वर्कआउट करेंगे. ठीक है, सो बिफोर गोइंग फॉर द प्रोग्राम रिमेम्बर वन थिंग, मैंने आपको 5 फिंगर प्रिंसिपल बताया था. क्या बताया था? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम इक्वल टू न्यू, सॉरी क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और फिर कंस्ट्रक्टर, राइट. अब रिमेम्बर दैट कि हर जगह जहां पे भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी वहां पे मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो अभी देखिए मैंने क्या क्रिएट किया, एक पब्लिक क्लास रिजल्ट बनाया जिसके वॉइड मेन के अंदर, नाउ स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर रही हूं, मैं यूजर से इनपुट ले रही हूं, तो हो सकता है कुछ एरर आ सकता है, तो उस समय मुझे कुछ एक्सेप्शन थ्रो करते आना चाहिए, उसने एक्सेप्शन कोई कैप्चर करते आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने हो के कौन सी लाइन में देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, उसके आगे लिखा है कीवर्ड थ्रोज. ठीक है, और उसी लाइन में आगे हम लिखेंगे आई ओ एक्सेप्शन, आई ओ ई, ये तीनों कैपिटल रहेंगे, आईओ एक्सेप्शन,
ये तीनों वर्ड इसमें आई ओ और ई ये कैपिटल रहेंगे, ठीक है। बट जब भी मैं यहाँ पे थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन लिखूंगी ना, तो मुझे एक लाइन होप के इसमें ऐड करनी कंपलसरी है, चाहे मैं नेटबीन्स यूज करूँ चाहे मैं इक्लिप्स यूज करूँ। आई हैव टू पुट इट एंड दैट लाइन इज बिफोर योर क्लास रिजल्ट इट शुड हैव वन लाइन इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट आईओ डॉट स्टार्ट सेमी कोलन, ठीक है। जब तक के मैं ये लाइन नहीं दूंगी तब तक के थ्रोज आईओ एक्सेप्शन पे काम नहीं होगा, ओके। अब मुझे पांच वेरिएबल्स चाहिए, तो मैंने आईएनटी डिक्लेयर कर दिया, पांच वेरिएबल्स, ओके। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, टोटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक डबल वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसमें डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें नाम दिए हैं पर पी आर फॉर परसेंटेज और टोटल, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं ना तो समझ में आना चाहिए कि क्या काम चल रहा है, तो इसीलिए हमने क्या लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने एक्सेप्ट वर्ड यूज किया था, तो एक्सेप्ट के लिए हमको क्या चाहिए था, कहीं पे भी रिमेम्बर स्टूडेंट, जब भी मैं एक्सेप्ट ये कीवर्ड लेती हूँ तो मुझे ना तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, आई शुड पुट अ स्पेसिफिक प्रॉपर मैसेज मेंशनिंग कि मुझे क्या इनपुट चाहिए। सेकेंड, मैं उसका डिक्लेरेशन किया है कि नहीं उन वेरिएबल्स का, और थर्ड उसमें एक्चुअल इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है, मैंने मैसेज डिस्प्ले करना है। सो नाउ हियर यू विल सी मैंने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, यानी एक काम कंप्लीट हुआ। सेकेंड काम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। थर्ड काम क्या है, अब मुझे वहां पे इनपुट लेना है, आई नीड एवरीवन्स अटेंशन ओवर हियर, ओके। अभी आपको मैंने 5 फिंगर प्रिंसिपल बताया था, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, क्लियर। तो अभी यहां पे देखो, ये आपका क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू, और ये पूरा का पूरा यहां तक ये पूरा ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ओके। सो इसका इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रही हूं, जस्ट सी टू दैट। See here, I am putting PR my mouse is not working properly, okay। क्लास का नाम, BR इज माई क्लास नेम सपोज, ऑब्जेक्ट ओके देन इक्वल्स टू न्यू, और फिर बी आर का ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ और एक्सपेक्टेड है, तो क्या एक्सपेक्टेड है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आई जस्ट शो यू, सी हियर,
किस तरीके से करा हुआ है वो, ये देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर, ओके। बट वो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया है? बाय जस्ट प्रिफिक्सिंग न्यू कीवर्ड टू इट, ठीक है। मतलब वो फाइव फिंगर प्रिंसिपल में मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है? न्यू ये कीवर्ड और क्लास का नाम, जैसे कंस्ट्रक्टर, तो न्यू ये कीवर्ड आ गया और इनपुट स्ट्रीम रीडर ये उस क्लास का नाम आ गया जो एक कंस्ट्रक्टर के जैसा वर्क कर रहा है। अब उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने, अब ये भी जो कंस्ट्रक्टर है इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसको भी कुछ और रिक्वायर्ड रहता है। तो क्या रिक्वायर्ड है? अब हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन यूज किया है, ठीक है। यूजर से जब हमको इनपुट लेना है तो हमने सिस्टम डॉट इन यूज करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लास का नाम क्या है? बफर्ड रीडर। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर एज अ कंस्ट्रक्टर। अब ये बफर्ड रीडर कंस्ट्रक्टर में और कुछ एक्सपेक्टेड है, तो क्या एक्सपेक्टेड है? इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया हुआ है? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इस न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर उसको और कुछ पैरामीटर एक्सपेक्टेड है, तो वो पैरामीटर क्या है? सिस्टम डॉट इन। तो ये जो इतनी बड़ी लाइन है ना, इससे डरना नहीं है, सिंपल याद रखो, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, और क्लास का नाम कैसा है? बफर्ड रीडर, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बन गया, और उस इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर आप एज अ पैरामीटर दे रहे हो सिस्टम डॉट इन, ओके, क्लियर। नाउ अब हमको पहली वाली वैल्यू लेनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तीन से चार काम मैंने एक साथ में किए, ये जो दो बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और m1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int करना, ठीक है। पहला काम क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका? बफर्ड रीडर क्लास का, ठीक है, जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है कि उसके पास उसका खुद का एक अटैचमेंट है जिसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उस अटैचमेंट की खासियत है कि वो सिस्टम डॉट इन को लेके आया है। अब ये सिस्टम डॉट इन क्या करेगा? हमको यूजर से इनपुट लाके देगा, ओके। सो अभी एक पहला वेरिएबल लिया मैंने m1, अब ये m1 वेरिएबल में मैं क्या कर रही हूँ? तीन काम एक साथ कर रही हूँ। पहला, ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन से मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, क्लियर। पहला काम क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने ये लिखा है ओबीजे डॉट रीड लाइन, रीड का आर छोटा है, लाइन का एल कैपिटल है, ये ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। ऑब्जेक्ट किसका है? ये देखो, ये जस्ट ऊपर जो क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट है वो, तो ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन से मुझे यूजर से वैल्यू मिलेगी। बट रिमेम्बर, आपको day 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी यूजर से वैल्यू आती है वो हमको कैसे मिलती है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और मुझे इसका कैलकुलेशन करना है इन फ्यूचर, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई हुई वैल्यू तो नहीं चलेगी, तो इसीलिए मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में एक मेथड है जिसका नाम है पार्स INT, पार्स का P छोटा, INT का I बड़ा, ठीक है, कैपिटल। मेथड्स में इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, जावा में जब भी मेथड्स क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं तो मेथड का पहला लेटर जो है, वर्ड का पहला लेटर, वो स्मॉल होता है और फॉलोड बाय जो भी नेक्स्ट वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं।
जैसे रीड का आर छोटा है, लाइन का एल कैपिटल है, पार्स का पी छोटा है, आईएनटी का आई बड़ा है, कैपिटल है। ओके, अब ये जो M1 है ये कैसा है? इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए इंटीजर क्लास डॉट पार्स आईएनटी, किसको? जो हम यूजर से ले रहे हैं उसको। तो एक साथ में यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं, ओबीजे डॉट रीड लाइन में इनपुट आ रहा है, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी से वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर वैल्यू, और थर्ड वो M1 में असाइन हो रहा है। क्लियर? तीन काम एक साथ। नाउ सेम वही चीज अगर मैं सेम वही मैं अगर M2 में कॉपी करूं, M3 में कॉपी करूं, M4, M5, तो मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बट ऑब्जर्व कि आपने ये प्रॉपरली लिखा होगा। ठीक है, सो M1 में वैल्यू यूजर से आ जाएगी, M2 में आ जाएगी, M3, M4, M5, माई फाइव इनपुट आर रेडी। ठीक है, नाउ नॉर्मली जैसे हम लोग बाकी के लैंग्वेजेस में करते आ रहे थे वैसे टोटल किया, टोटल इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। परसेंटेजेस अभी ये टोटल इज आउट ऑफ 500 अगर मैं ले रही हूँ तो डिवाइड बाय 500 इंटू 100। ठीक है, या डिवाइड बाय 5 इंटू 100 आप वैसे भी ले सकते हो, आपका चॉइस है आपको कैसे वर्कआउट करना है। देन अभी इसका परसेंटेज का डिस्प्ले कर दिया, अभी नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो फेल आएगा, देन एल्स अब यहाँ पे कंबाइंड और यू कैन से कंपाउंड इंस्ट्रक्शंस क्रिएट की है, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज लेस देन 60। अगर ऐसा है तो आप पास क्लास में हो, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है एंड लेस देन 75 है तो फर्स्ट क्लास, एल्स। तो यहाँ पे ना आप ऑब्जर्व करना, ये जो काउंट ऑफ ब्रैकेट्स है ना, आप जैसे एल्स ओपन किए तुरंत उसको क्लोज करो, फिर उसके अंदर कर्सर ले जाके नेक्स्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो टाइप करो, तो आपके ये जो काउंट ऑफ ब्रैकेट्स है वो प्रॉपरली मैनेज होंगे। अगर नहीं तो आप स्टार्ट से टाइप कर रहे हो, ओपनिंग ब्रैकेट्स दे रहे हो और क्लोजिंग नहीं दे रहे हो, तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मिस्टेक इज एंड विच एल्स और विच इफ इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। ओके, सो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, मैंने जैसे ही टाइप किया एंटर द जैसे ही कंपाइल और रन किया मुझे क्या मैसेज आएगा? एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। मैंने ये कुछ मार्क्स डाले, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट होके मिल रहा है और उसका ग्रेड कैलकुलेट होके मिल रहा है। ओके, क्लियर? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड।